आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। काकी जी चलिए, क्या हुआ? अरे रुको, सब लोग रस्सी मत खोलो, वरना रस्सी उलझ जाएगी। सिर्फ किंजल को खोलने दो, किंजल खोल। मेरे नाखून भी बड़े हैं। एक मिनट, सब लोग नहीं, जल्दी कर वरना वो लोग जीत जाएंगे। मैं अपने साथ लेकर आई हूं राष्ट्रीय ध्वज जो इस बक्से में है। आप सब से मैं आग्रह करूंगी कि आप सब दो टीम बना लें। झंडा रोहन के लिए तीन सामग्रियों की आवश्यकता होगी और ये तीनों सामान के मैंने दो दो सेट बना लिए हैं। मैं ये दोनों सेट छिपा दूंगी, उसके बाद पहेलियों और संकेतों के द्वारा उन छिपाई हुई चीजों के बारे में आप सबको बताऊंगी। जो टीम सबसे पहले इन पहेलियों को बूझकर वो सारी चीजें प्राप्त कर लेगा, उस टीम का सबसे बड़ा सदस्य आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण करेगा। मम्मी, हम दोनों एक ही टीम में रहेंगे। मैं राशिबेन के दल में रहूंगी। नहीं राधा, दल बांटने का भी एक तरीका होता है। हम सभी लोगों में से कोई एक नंबर बोलेगा और दूसरा दो नंबर बोलेगा। एक नंबर वालों की दल होगी टीम ए और दो नंबर वालों की दल होगी टीम बी। तो हम अब शुरू करते हैं। एक दो, एक दो, एक दो। अगर मैंने एक बोला तो मैं टीम ए में चली जाऊंगी। एक दो, एक दो। अब तो कोई बचा ही नहीं। राशि, अब बची तुम। पिछला नंबर दो था तो अब तुम्हारा नंबर होगा एक, यानी तुम टीम ए में रहोगी। अब मैं आप दोनों टीम से आग्रह करूंगी कि जल्द से जल्द अपना कप्तान चुन लें। दल बी की कप्तान मैं बनती हूँ। ना ना, पोतानी टीम नी कैप्टन तो हूँ बनीश। कैसे भी करके मधुबेन को तो परे ढकेलना ही होगा। मधुबेन, भले ही आप ज्यादा गांव में रही है पर वो तो सबसे ज्यादा समझदार, तो आप तो वो बनो जो खेल खिलाता है। अब शू बोले छे रेफरी। हाँ, और मिला भाभी, मुझे खिलाना विलाना नहीं है, मुझे खुद खेल खेलना है। मधुबेन, लेकिन रेफरी तो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है, वो बोले आउट तो आउट। और बेवान जी गोपी को जिताने के लिए बेमानी कर सकती है, और आप तो ईमानदार हो। और हाँ, देवान जी से टक्कर लेने वाला भी आपके सिवा दूसरा कौन है? हाँ, तमें तो देवान जी साथे उभार रही जाओ। हाँ, रेफरी बनी ने। रेफरी? हाँ। पीछे? पीछे। तो कप्तान आप बन जाओ भाभी। हमारे टीम की कप्तान बनेगी राशिबेन। हमारी टीम की कप्तान तो गोपी ही चाहिए। तो ठीक है, वोटिंग करवा लीजिए। जो भी मुझे कैप्टन बनाना चाहता है अपने हाथ उठा लीजिए। फैसला हो गया राशि,
हमारी टीम की कप्तान बनेगी गोपी। दोनों ही टीम के कप्तान से मैं आग्रह करूंगी कि दोनों आगे आ जाएं। चलिए अब खेल शुरू करते हैं। जरा रुको वेवान जी, हमारी टीम में से भी एक जज होना चाहिए। जरूर, कृपया बताएं कि आपकी टीम की तरफ से निर्णायक कौन होगा। मधुबेन। अवश्य, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर्वप्रथम मैं उर्मिलाबेन की टीम को पहली बताती हूँ। हाँ। इन पर है सबकी श्रद्धा खास, हर कोई करता इन पे विश्वास। इनके जितने नाम अलग अलग है उतने ही इनके धाम अलग अलग है। इन्हीं के घर के ऊपर जा बैठा हूँ। बुझो तो जानू मैं कहाँ हूँ। आपका समय शुरू होता है अब। श्रद्धा तो ईश्वर पर होती है, पर उनका इस खेल से क्या लेना देना? और भगवान से जुड़ी ये क्या चीज हो सकती है? भगवान का घर यानी कि मंदिर? पर यहाँ पर तो कोई मंदिर नहीं है। अरे लेकिन सबके घरों में पूजा घर तो है। हाँ। एक काम करते हैं, हम सब अपने अपने घर के मंदिर के आसपास जाकर देखते हैं, उसके आसपास ही होगा। चलो चलो जल्दी देखिए। तो अब बारी है गोपी की टीम की। आपकी पहेली है अंदर बाहर ऊपर नीचे, जिससे होकर सब है गुजरे, उसी राह में है एक कोना, वही है जागना और सोना। मैं जगू तो रात में भी हो सवेरा, बताओ कहां है मेरा बसेरा। काकी जी, हमें घर में हर जगह ढूंढना चाहिए। हाँ गोपी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें घर का कोना कोना छानना होगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। हाँ काकी जी, आप मीरा। गोपी वाओ, तुम मीरा की चिंता मत करो, मैं हूं ना। जी माँ जी। राशि, मूलचंद और तोलाराम कहाँ है? वो विमलाबेन के साथ ऊपर कमरे में है, सो रहे। सारो कुछ भी नहीं पाई। ये जल अगर हम ऐसे ही ढूंढते रहे तो हमारा जीतना तो मुश्किल है। से अच्छा है कि हम अपने खेल पर ध्यान देने के बजाय दूसरों का खेल बिगाड़े। मेरे पास एक उपाय है। कैसा है आइडिया पाई? एक बात बताइए, आप इतनी होशियार बनती तो फिर मधु आंटी आप पे इतना हुकुम कैसे चलाती? और फिर वैसे भी ये नकली चिपकली विपकली से ना गोपी भाभी पे कोई असर नहीं होने वाला, बहुत होशियार है वो। कुछ मिला? आप लोग उधर देखिए, हम लोग ऊपर देखते हैं। अच्छा अच्छा, मैं तो सिर्फ सामान हटा के चीजें ढूंढ रही थी। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है अब क्या कर रही थी। अब चलें? हाँ चलो। अब मोटा भाभी, गोपी वाओ, जल्दी जल्दी ढूंढिए। मिला? नहीं, हमारे घर के मंदिर में तो कुछ भी नहीं है। जी, राशि बेन, जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ? राशि बेन, अब जल्दी जाकर अंदर से स्टूल ले आइए। हाँ। हे भगवान, अब ये कहाँ होगा? सब लोग मेरे साथ आओ।
चल। भैया आप धवल जी की दुकान क्यों खोल रही हैं? पर्ची बंधी हुई है। अरे ये तो हमारा नेक्स्ट क्लू हो सकता है। खोलो खोलो खोलो। लेकिन सबसे पहले ये फोन नीचे काकी जी तक पहुंचा। वही उन लोगों को फोन मिल गया, जल्दी जाकर ये माँ को दे देते फिर पढ़ते। हाँ। चलो काकी जी पकड़ो इसे। इस पहली की विजेता टीम है टीम ए। इस पोल के साथ साथ आप सभी को एक छोटी सी चिट्ठी मिली होगी, तो उसे पढ़िए और शुरू हो जाइए। मिट्टी की है मेरी काया, सबको ठंडक मैं देने आया, गर्मी सबकी दूर भगाऊं, ढुलक ढुलक के मैं गिर जाऊं। मैं रंग बिरंगी खुशबूदार, हर लड़की करती मुझसे प्यार, जो है मेरी प्यास बुझाता, उससे अब तुम सबका नाता, कभी चढ़े भगवान के ऊपर, कभी करे इजहार प्यार का। इतना राशि को भी कहीं ये मटका तो नहीं? हाँ काकी जी आपने बिल्कुल सही कहा, मिट्टी की काया तो मटकी की होती है और ठंडा पानी भी होता है। बिल्कुल सही कहा राशि भैया, आप लोग अपने अपने घर में ढूंढिए, हम भी जाकर अपने घर में ढूंढते हैं। मतलब फूल, गुलाब का फूल। हाँ, पर यहाँ गुलाब कहाँ मिलेगा? अरे जंगल में इतने सारे गमले लगे हैं ना, उसी में मिलेगा। सब मिलके ढूंढते हैं। हाँ ठीक है चलो। काकी जी आप लोग इधर ही ढूंढिए, मैं और राधा रसोड़े में देखते हैं। हाँ ठीक है राधा चल। यहाँ भी नहीं है। गोपी यहाँ कुछ मिला? नहीं काकी जी यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। हे भगवान, ना यहाँ है ना हॉल में है। एक काम करते हैं, नेहा को चलकर पूछते हैं। जी चल राधा। कुछ मिला? आप लोग मिला कुछ? नहीं। ये छोटी गवार बहुत फुदक फुदक के ढूंढ रही है, अभी मजा चखाती हूँ। राशिबेन गुलाब के फूल मिल गए। राधा मैंने क्या किया? मेरा तो मुझी पे भारी पड़ गया। हे मारा ठाकुर जी, अलो को ना हाथ ना तो पीछे सामान पड़ा भी गया। अपनी टीम को जिताने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे ढूंढो, जाओ जल्दी ढूंढो। अरे ढूंढो भाभी। अरे उधर ढूंढो ना। क्या है भाई? हाँ। भाई एक काम करते हैं, इस गमले से फूल तोड़कर हम जाके माँ को दे देते हैं, तो ऐसे हम शर्त जीत जाएंगे। विवान जी मतलब तेरी माँ बड़ी समझदार है, बड़ी होशियार है, उसे पता चल जाएगा कि ये उसके छुपाए हुए फूल नहीं है। सच्ची में राधा तूने तो कमाल कर दिया, शाबाश।
काकी जी ये पर्ची। ये जब तो हमारा है, यहाँ कैसे आया? मैंने तो नहीं रखा। किंजल का ही काम होगा। किंजल, ये जब तू नहीं यहाँ रखा, मैं क्यों रखूंगी भाई? मिल गया। तक जिम बाद में पढ़ते हैं। जी ये लीजिए फूल। टीम ए ने ये गुलाब की पंखुड़ियां सबसे पहले लाकर दी, तो इस बार भी विजेता टीम ए है। टीम बी, निराश मत होइए, अभी भी आपके पास जीतने का एक मौका और है। और अब इसके अंदर से जो चिट मिली है उसे पढ़कर अब दोनों टीम को आखिरी पहेली बुझानी है। इस कोने से उस कोने तक मैंने ही जाल बिछाया, घर के आगे या तो पीछे, देखो तुमने मुझको पाया। लंबी सीधी टेढ़ी मेढ़ी, रखो चाहे जैसे मुझको, हर मौसम का बदलू चेहरा, कभी बाहर तो कभी अंदर, घर है मेरा ये, कभी टेढ़ी कभी लंबी, ये क्या चीज हो सकती है भाई? जो कुछ भी है दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे जल्दी करो, नहीं तो ए टीम जीत जाएगी। अरे जल्दी जल्दी, हाँ पहेली छे लड्डू ने कि मुंह में डाला और गप। घर के आगे या तो घर के पीछे, इसका मतलब ये जो भी चीज है ये हमें घर के आगे या तो फिर घर के पीछे ही मिलेगा। झंडे के लिए, डंडे की, फूल की, और तीसरी कौन सी चीज है जिसकी जरूरत पड़ती है? यहाँ खड़े होके बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, चलो सब चल के ढूंढते हैं। चलिए काकी जी, हम जाके ढूंढते हैं। हाँ चल चल। इस कोने से लेकर उस कोने तक रस्सी। अरे उन लोगों को मिल गई। काकी जी चलिए, क्या हुआ? अरे रुको, सब लोग रस्सी मत खोलो वरना रस्सी उलझ जाएगी, सिर्फ किंजल को खोलने दो। किंजल खोल, तेरे नाखून भी बड़े हैं। एक मिनट, सब लोग नहीं, जल्दी कर वरना वो लोग जीत जाएंगे। जल्द जीत जाएगी, पर अगर ये जीत गई फिर तो हमारी हार पक्की है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।